दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कहूँ या फिर ये कहूँ कि बहुत ही कम बच्चों के पास ये सब्जेक्ट होगा, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, यानी कि ट्रैवल एंड टूर का। ठीक है, तो इसी का जो लेवल फोर्थ है, जो अभी बहुत कम स्कूलों में है, जो क्लास ट्वेल्थ में है, उनके उनके बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उनका, वही मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आएगा। ये 60 मार्क्स का आता है और इसमें 40 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, और इसके घंटों की टाइमिंग है वो 3 घंटे की है। ठीक है, तो काफ़ी ईजी आता है ये पेपर। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाला दोस्तों ये सब्जेक्ट अगर आपको मिला हुआ है तो आप समझिए आप बहुत लक्की हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें एक ध्यान रखने वाली क्या बात है कि इसके जो सामान्य निर्देश हैं, मैंने देखा था कि जिस बच्चे से मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है उसने मुझे बताया था कि सर, ये जो है हमने क्या किया कि इसके जो क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न दी थी हमने वो सभी प्रश्न किए, लेकिन जब लास्ट में हमने देखा तो इसके इंस्ट्रक्शन में कुछ और ही लिखा था। जहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए वहाँ पर 3 क्वेश्चन करने थे। तो देखा ना बच्चों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि ये जो सामान्य निर्देश है इनको जरूर पढ़ा करें पेपर पढ़ने से पहले। ठीक है, अब कर दी तो कर दी गलती। ठीक है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं सबसे पहले उन दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के चले क्या जाएँ, पूरा वीडियो देख के जाएँ। वॉस्ट लैंड, ओके, नाउ चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी में पढ़ूँ या इंग्लिश में? तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ठीक है, या हिंदी में? चलिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। यह है, पर्यटन उद्योग में हॉस्पिटैलिटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो आपको अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप ये देखिए सी सेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है इसका, गेस्ट एंड होस्ट। ठीक है, फिर आता है दूसरा है, इनमें से कौन सा खाद्य सेवा प्रतिष्ठान है? तो इसमें आपको जो भी सही लगता है वो आप इसमें टिक कर सकते हैं। ठीक है, यह है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा होटल में एक प्रकार का कमरा नहीं होता है? तो एक प्रकार का कमरा कौन सा नहीं होता, वो होता है मोटेल। ठीक है, उसके बाद एक होटल में फ्रंट ऑफिस के विभाग की मुख्य भूमिका क्या है? ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी कर सकते हैं। अगर आपने जो आपका इसका सिलेबस है वो अच्छे से कर रखा है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 8, यह है कि आतिथ्य क्षेत्र में यानी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन उद्योग के अंतर्गत आता है? यानी कि इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, इसमें से कोई सा जो अंतर्गत आता है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो वो क्या आता है, वो कारें हैं। ठीक, फिर है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा होटल है? तो होटल इसमें कौन सा वो आपको बताना है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण सामने के कार्यालय के उपयोग में लाया जाता है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामने के कार्यालय इसका क्या मतलब है, तो आप इसे इंग्लिश में देखिए क्या लिख रखा है, यूज इन फ्रंट ऑफिस, यानी कि फ्रंट ऑफिस, तो आपको इंग्लिश में से जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, वो ये है कंप्यूटर। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा होटल में आग का कारण नहीं है? तो आग का कारण कौन नहीं है, ये सर्विंग ऑफ फूड टू गेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है कि गैस से आग LPG किस प्रकार की श्रेणी में आती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ कि इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या दिए गए हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ क्या है, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है खंड यानी सेक्शन ए में 1 से 12 में से कोई 10 करें। अब आपने अगर 12 कर दिए हैं तो वो आपकी मर्जी है, अगर आपको आते तो ठीक है, नहीं आते कोई 2 तो आप 10 कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर 8 ऑप्शन, मतलब 2 ऑप्शन आपके लिए फालतू दिए हैं, मतलब आपके लिए चॉइस है। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज होटल, होटल क्या है?
होटल में फ्रंट ऑफिस को परिभाषित करें, यानी कि डिफाइन फ्रंट ऑफिस इन ए होटल, ये दो दो मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, फिर आता है व्हाट इज डबल रूम, यानी कि डबल रूम क्या है। फिर हु इज ट्रेवल एजेंट, ट्रेवल एजेंट कौन है। फिर 17वां, व्हाट इज ए फेल्यू बकेट, फेल्यू ट्रे, फोल्यू बकेट, फोल्यू ट्रे क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है कि संचार को परिभाषित करें, यानी व्हाट इज डिफाइन, मतलब व्हाट इज टर्म कम्युनिकेशन, यानी कि डिफाइन द टर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज ए आई डी, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। उसके बाद आते हैं हमारे पाँच पाँच मार्क्स से, पाँच पाँच मार्क्स नहीं, तीन तीन मार्क्स के पाँच क्वेश्चन, ठीक है। ये है हमारा सेक्शन नंबर सी, देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट आर द वेरियस इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय होटल्स, हिंदी में इसका मीनिंग है होटल द्वारा अपनाए गए विभिन्न पर्यावरण अनुकूल अभ्यास क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इन ए होटल, यानी कि एक होटल में तीन प्रमुख प्रकार के विभाग क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 22वां, राइट एंड शॉर्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स, होटल के वर्गीकरण के बारे में संक्षेप में हमें लिखना है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23, राइट इन शॉर्ट अबाउट द डिफरेंट रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ ए होटल, यानी होटल के विभिन्न राजस्व उत्पन्न विभागों के बारे में संक्षेप में लिखिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द वेरियस इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ ए होटल, होटल के फ्रंट ऑफिस विभाग के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वे विभिन्न उपकरण क्या हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको 5 ही करने थे, ठीक है। तो आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ा करें। डिफाइन द टर्म ऑफ नो शो, यानी कि नो शो को परिभाषित करना है। फिर है 26वां, व्हाट आर द कॉमन सोर्स ऑफ फायर इन ए होटल, यानी कि होटल में आग लगने का आम स्रोत क्या है। फिर अब आते हैं हमारे 5 5 मार्क्स से 5 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, राइट इन द डिटेल्स अबाउट कॉम्पोनेंट्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी पर्यटन उद्योग के घटकों के बारे में विवरण लिखें। फिर आता है 28वां, 28वें में क्या है, राइट इन डिटेल्स अबाउट वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ए होटल एंड देयर फंक्शन, यानी होटल के विभिन्न विभागों के कार्यों के बारे में विवरण लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ होटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, यानी स्थान के आधार पर होटल के प्रकारों की व्याख्या करनी है। तो स्थान के आधार पर कौन कौन से होटल है वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, राइट द डिटेल्स अबाउट द इंटरमीडियस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आतिथ्य उद्योग की वितरण प्रणाली के मध्यस्थों के बारे में विवरण में लिखे। आपको मुझे लग रहा है कि आपको हिंदी में समझ में बहुत कम आ रहा होगा, क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में ही है, तो आप इंग्लिश में आसानी से क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 31, राइट इन डिटेल्स अबाउट वेरियस सब डिपार्टमेंट्स ऑफ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ ए होटल, एक होटल के फ्रंट ऑफिस विभाग के विभिन्न उप विभागों के बारे में विवरण में लिखे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, राइट डाउन द वेरियस टेलीफोन एटिकेट्स विच शुड वी कीप इन माइंड बाय अ फ्रंट ऑफिस स्टाफ, फ्रंट ऑफिस कार्यालय कर्मचारियों द्वारा ध्यान में रखे जाने वाली विभिन्न टेलीफोन शिष्टाचार लिखें, ठीक है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, क्या है, व्हाट आर द वेरियस इमरजेंसी सिचुएशन द अराइज इन होटल ऑपरेशन अलोंग विद देयर हैंडलिंग टेक्निक्स, ठीक है। विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियाँ क्या हैं जो होटल संचालन में इनकी हैंडलिंग तकनीकों के साथ साथ आती है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन पेपर, ये ट्रेवल एंड टूर का, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, ठीक है। तो आई होप कि जिस जिस बच्चे के पास ये सब्जेक्ट है वो काफ़ी लक्की है, क्योंकि इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है सब्जेक्ट में। और एक और है ऑटोमोबाइल का, उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन GDP के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें गुणवत्ता रखता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।